दोस्तों कार्ड ड्राइविंग गेम खेलना किसको पसंद नहीं आती, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। एंड भाई आप लोग एक चीज सोचो, अगर आप कार के अंदर बैठ के स्टीयरिंग व्हील से कार को चलाओ तो कितनी ज्यादा मजा आएगा यार। मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आता है, और इसलिए जब भी मैं कोई भी गेम खेलता हूँ ना तो सबसे पहले उसका कैमरा एंगल चेंज करता हूँ एंड कार के अंदर बैठ के स्टीयरिंग व्हील से कार को चलाता हूँ यार। मेरे को सच्ची में बहुत मजा आता है। एंड अगर आपको भी इस तरीके से कार के अंदर बैठ के कार को चलाना है ना तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखो, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे ही गेम बताऊंगा। चलो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर 1 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है ड्राइविंग जोन जर्मनी। तो ये जो गेम है एकदम से न्यू गेम है, कुछ दिन पहले जो गेम है रिलीज हो चुका है। इस गेम के अंदर आपको ट्रैफिक रेसिंग देखने को मिल जाता है, मतलब ट्रैफिक रूट के अंदर मतलब कार आता है कार जाता है, उसी बीच में आपको रेसिंग करना पड़ता है। तो समझ लो भाई कितना कठिन होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको संभाल के खेलना पड़ेगा। एंड इस गेम के अंदर आपको सुपर कार, एसयूवी कार एंड थोड़ा सा पुराना जमाने की कार भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम का जो कार का इंटीरियर है ना भाई बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ऐसा लगता है कि मैं सच्ची में कार के अंदर बैठ के स्टीयरिंग व्हील से कार को चला रहा हूँ, ऐसा आपको फीलिंग आ जाएगा। एंड साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको फ्री राइड भी देखने को मिल जाता है, मतलब कोई भी कार उठाओ एंड फ्री राइड लॉन्ग ड्राइव पे चलो यार, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड भाई इस गेम का ग्राफिक्स भी बहुत ही खतरनाक है। बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाला है 300 MB एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो यार, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। इस गेम का नेम है रेसिंग इन कार 2021। दोस्तों ये जो गेम है ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा कम है यार, 130 MB गेम का साइज है जो गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। इस गेम के अंदर आपको अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम का भी जो इंटीरियर है भाई सच्ची बता रहा हूं बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक बार आप इसमें ऊपर देख सकते हैं, आपको गेम प्ले दिखा रहा हूं कितना बढ़िया इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस गेम के अंदर आपको मॉडर्न कार से लेकर सुपर कार तक आपको देखने को मिल जाता है। इस गेम के अंदर आपको कैरियर मोड, टाइम लिमिट, मल्टीप्लेयर एंड फ्री राइड भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे मोड से आप एक एक करके खेल सकते हो। एंड इस गेम के अंदर यार जैसे आप मिशन को कंप्लीट करोगे ना तो उसके बाद आपके पास काफी सारे कॉइन आ जाता है एंड उसको लेकर यहाँ पर आप सुपर कार वगैरह खरीद पाओ। तो बहुत ही अच्छा गेम है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। इस गेम का नेम है रेसिंग होराइजन। दोस्तों ये जो गेम है ना इस गेम के अंदर आपको स्नो लोकेशन, सिटी रोड एंड ऑफ रोड लोकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आप ऑफ रोडिंग भी कर पाओगे यार। एंड इस गेम के अंदर आपको ट्रैफिक रोड देखने को मिल जाता है, तो आपको ट्रैफिक रूल को भी फॉलो करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर रेड लाइट हो गया, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये सारी चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल आपको देखने को मिल जाता है। इस गेम के अंदर भी आप लोग कार के अंदर बैठ के स्टीयरिंग व्हील से कार को चला पाओगे। एंड साथ ही साथ इस गेम का साइज भी बहुत ज्यादा कम होने वाला है, 127 MB गेम का साइज है एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है यार, मतलब एक बार डाउनलोड करो उसके बाद अब जितना चाहो उतना खेल सकते हो। तो अब भी जाओ और डाउनलोड करो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है कार पार्किंग 2022। दोस्तों अगर आपको लो एंड डिवाइस के ऊपर गेम खेलना है, मतलब आपके पास 1 GB 2 GB रैम की डिवाइस है एंड आप छोटा मोटा गेम खेलना चाहते हो, मतलब हाई ग्राफिक्स खेलना चाहते हो लेकिन आपके पास अच्छा खासा डिवाइस नहीं है, तो भाई आपके लिए ये गेम होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको हाई ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, इस गेम के अंदर आपको पार्किंग मोड, फ्री राइड एंड कैरियर मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे एसयूवी कार भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसको यहाँ पर आप अनलॉक कर पाओ। बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाला है 194 MB एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो यार, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो देखते देखते हम लोग आ चुके हैं नंबर 5 गेम पर एंड इस गेम का नेम है पुलिस सिमुलेटर 2022। मैं होप करता हूं कि इस गेम के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज नहीं पता यार, इस गेम के अंदर जो कार का इंटीरियर है सच्ची बता रहा हूं बहुत ही रियलिस्टिक होने वाला है। देखो भाई पहले जो 2-3 कार होता है ना उसका इंटीरियर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप कार अनलॉक करोगे ना उसके बाद जो सुपर कार आती है या फिर जो एसयूवी कार आती है उसके इंटीरियर सच्ची बता रहा हूं बहुत ही रियलिस्टिक होने वाला है। तो गेम को खेलो एंड न्यू कार को अनलॉक करो, क्योंकि इस गेम के अंदर लगभग 15+ आपको पुलिस कार देखने को मिल जाता है एंड बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, उसको आप लोग फुल कस्टमाइज कर सकते हो, उसका जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह होती है सब कुछ यहाँ पर आप कस्टमाइज कर पाओगे। एंड इस गेम के अंदर आपको पुलिस का रोल प्ले तो कर ही रहे हो, मतलब यहाँ पर आप अरेस्ट कर सकते हो, फाइटिंग कर पाओगे, ट्रैफिक पुलिस बन सकते हो। तो भाई इस गेम का साइज होने वाला है 790 MB एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो यार, बहुत ही अच्छा गेम है। सो गाइस मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुके हैं, अगर पसंद आया तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड तब तक के लिए अच्छा रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।